नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिटी लाइव ने एक मुहिम छेड़ रखी है जिसमें लगातार हम कुछ दिनों से जो है स्कूल की जो फीस है उसको माफ करने के लिए सरकार से भी लगातार निवेदन कर रहे हैं और जो स्कूल के संचालक हैं उनसे भी हम लगातार जो है ये निवेदन कर रहे हैं कि जो 3 महीने की फीस है सरकार ने हालांकि उसे पोस्टपोन कर दिया है 3 महीने के लिए, लेकिन बाद में उनको ये फीस चुकानी होगी। हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन जो है वो पूरी तरह से फीस को माफ करे। और इस चर्चा में आज हमारे साथ जो मौजूद है वो है श्री दिनेश कांवड़ जी, जो कि पार्षद हैं और पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं और समाज सेवी भी हैं। साथ में हमारे मोहन केसवानी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कल ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो है वो स्कूल की 3 महीने की फीस माफ कर दी है। तो आप दोनों का धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। जी दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप यहाँ पर पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं और पार्षद भी हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं, अब तक कहाँ तक हमें सफलता हासिल हुई है? देखिए, अगर वास्तविक रूप से इस विषय को अगर समझ पाए तो अभी तक कुछ भी जी सफलता नहीं मिली। ये जो 3 महीने का जो पोस्टपोन करने का है, ये लॉलीपॉप जरूर सरकार ने पकड़ा है, लेकिन उन्हीं के शिक्षा मंत्री सीधे शब्दों में जी ये कह रहे हैं कि वो पेरेंट्स जो सक्षम है वो फीस दे स्कूलों को। कुल मिलाकर वो अप्रोक्स रूप से स्कूलों के समर्थन में आकर खड़े हो गए। जो जनता सरकार चुनती है, जो जनता सरकार बनाती है, जिनके वोटों से जीतकर आप विधायक और मंत्री बनते हैं, उनके पक्ष में खड़े होने के बजाय आदरणीय शिक्षा मंत्री गोविंद चौटासरा जी का एक दो दिन पहले बयान आया था कि जो पेरेंट्स सक्षम है वो फीस दे और जो नहीं है उनको स्कूल वाले छोड़ दे। तो ये कौन सी कैटेगरी, वो कहाँ से डिसाइड करेंगे, कैसे इसका निर्णय होगा? एक तरह से उन्होंने रास्ता दे दिया निजी विद्यालय को कि वो जो लूट अपने पहले से चालू कर रखी थी निजी विद्यालय ने अभिभावकों की, उस पर अंकुश नहीं लगाना, बल्कि पीछे के रास्ते से उन्होंने उनको रास्ता सुझा दिया। मैं तो साफ कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं निजी स्कूलों के पक्ष में खड़े रहने की है, जबकि इस वक्त जब हर व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, रोजगार बंद है, औद्योगिक जो कारखाने वो बंद है, आपकी वेतन नहीं मिल रहा, कहाँ से एक अभिभावक फीस चुका पाएगा? और दूसरा कि जो काम उन्होंने किया ही नहीं उसका उनको पेमेंट करना पड़ रहा है। हमने काम किया नहीं उसका हमको पेमेंट करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति अभिभावकों के सामने खड़ी कर दी। बल्कि निजी स्कूल वो कहीं ना कहीं दबाव बनाने लगातार अपना चंदा डोनेशन देकर अपनी जो ताकत है उसको यूनाइट करके, और आज के अखबार में उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि निजी स्कूल फीस माफ नहीं करेंगे। सरकार क्या नहीं कर सकती? और भी जगह जहां सरकारों ने फीस माफ करी है, सरकार चाहेगी तो यहाँ भी फीस माफ होगी। कहीं ना जी कहीं सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है, और जो शिक्षा मंत्री है वो सरकार का माध्यम बने निजी स्कूलों से, निजी स्कूलों को राहत देने का। उनका बयान जी अभिभावकों का मनोबल तोड़ने वाला है, अभिभावकों को निराश करने वाला है। जी निश्चित तौर पर मोहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से चाहे दिनेश कांवड़ जी हों, दूसरे जो अभिभावक हैं या जो सामाजिक संगठन है, वो लगातार इस मुद्दे पर लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है इस महामारी के समय, जब ऐसी महामारी है उसके समय कम से कम 3 महीने की जो फीस है वो माफ की जानी चाहिए। आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले तो इस मैटर पे डिस्कशन तब बनता है एक मजबूत जब आप इसकी जड़ तक जाएं। आज 3 महीने की बात नहीं है, जितने भी अभिभावक परेशान हो रहे हैं सबसे पहले उनको एक चीज सोचने की जरूरत है कि इन स्कूलों के मालिक कौन है। हजारों स्कूल हैं राजस्थान के अंदर, आप उठाकर देख लीजिए एक एक का मालिक कौन है। मैक्सिमम मालिक जो है आपको मिलेंगे कि ये नेता लोग ही जो है, जो सत्ताधारी दल के या जो विरोधी पक्ष में बैठे हैं, ये खुद तो मालिक हैं इनके। ये क्यों चाहेंगे पर्सनली के कोई नुकसान बिल्कुल उठाया जाए? बिल्कुल ये क्यों बिल्कुल जो है साहब, इनकी किसी बात भी से सहमत हैं। अभिभावक के साथ आके खड़े होंगे? तो सबसे पहले उस चीज को जो है उठाने की जरूरत है कि एक मानसिकता जो है, एक पॉलिटिकल विल को क्रिएट करने की जरूरत है। सबसे पहले आज क्यों जो है एक आदमी अपने जेब से जो है कोई नुकसान पाएगा? व्यापारी लोग हैं ये, तो ये नेता थोड़ी ही है कोई। वो जी गए जमाने जब देश आजादी, देश की आजादी के लिए ये नेता लोग जो जब सड़कों पे आए थे, ये आज के नेता वो नेता नहीं है, ये सारे बिजनेसमैन है। और ये एक बिजनेसमैन क्यों कोई अपने व्यापार को खराब करेगा? इसको क्या मतलब है एक नेता को, जो एक बिजनेसमैन है उसको क्या मतलब है किसी अभिभावक से? आज अभिभावक को पगार नहीं मिलेगी, आज स्कूल वाले खुद चिल्ला रहे हैं कि साहब हम पगारें कहां से देंगे, पैसे नहीं आ रहे।
लेकिन उस जिसको उसने पगार देनी है वो भी तो उसका भी तो बच्चा कहीं पढ़ रहा है, उसको पगार नहीं मिलेगी तो वो आगे स्कूल की फीस देगा कहाँ से। तो ये खाली टालने वाली बात है, 3 महीने बाद में दे देना, ये दे देना खाली एक जो है ये लॉलीपॉप जैसा इन्होंने कहा पकाने वाली बात है। बात को इसको एक वाइडर स्पेक्ट्रम में देखने की बात है जो है, ये तुरंत प्रभाव से सरकार को जो है आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, इसको कानून बनाकर माफ कर देना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इतना जबरदस्त काम किया, आप देखिए कि एक सड़कों पे आके उन्होंने जो है इस चीज को संभाला है, और आज खुले आम आके वो कह रहे हैं कि नहीं साहब बिल्कुल जो है इसको माफ करेंगे। नहीं बिल्कुल, और 3 महीने की फीस जो है वो दिल्ली सरकार ने बोलना चाहूंगा। जी 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 दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, राजनीतिक विषय अलग अलग हो सकता है कांग्रेस बीजेपी आप पार्टी का, लेकिन ये विषय जो अभिभावकों का ये राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर है और ये हर घर से जुड़ा हुआ विषय है। आज आदरणीय सिसोदिया जी का भी बयान आया है कि वो भी फीस माफ करने के लिए कहेंगे, अभी तक कहीं नहीं है। ये सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही स्थिति में है, और जो अभी मोहन जी ने कहा कि ज्यादातर विद्यालय या तो एडमिनिस्ट्रेटर के हैं या फिर नेताओं के हैं, तो वो अपना फायदा पहले देखते हैं, लेकिन जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को जब चुनने का वक्त आता, जब वो जात पात और पार्टी में उलझ जाती, क्यों नहीं वो अच्छे लीडर को चुनती, ऐसे लीडर को क्यों नहीं चुनती जो आपका पक्ष रखे, आपका पक्ष विधानसभा में रखे, आपका पक्ष लोकसभा में रखे। आज सरकार ने जो सहयोग निधि सांसद को जो कोष है उसका 2 साल के लिए डेफर्ड किया है, एमएलए कोष का डेफर्ड किया है। जब सरकार ये सब कुछ कर रही है तो सरकार के पास पावर है, वो अगर एक ऑर्डर जारी करेगी कि कोई भी विद्यालय फीस नहीं लेगा उस पर कार्रवाई होगी, सरकार से बड़ा तो कोई भी नहीं है। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है, मजबूरी है अभिभावकों की, न वो सड़कों पर उतर सकते इस वक्त क्योंकि कोरोना के कारण लॉकडाउन में, न उनका विरोध प्रदर्शन का कोई जरिया बचा है। सिर्फ आप गोस्वामी जी जैसे जो जागरूक पत्रकार है वो एकमात्र माध्यम रह गए हैं, वरना पत्रकारिता में भी अभी तक ऐसी आवाज को बुलंद करने वाले कुछ लोग रह गए हैं जो ऐसी आवाज को इस वक्त बुलंद कर रहे हैं। तो मैं आपका पहले बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने अभिभावकों का ये दर्द समझा, और क्योंकि आप पत्रकारिता के बॉटम से जुड़े हैं, आपको मालूम है पत्रकारिता का धर्म क्या है, उस धर्म को निभाने के लिए आपने ये किया, वरना पत्रकारिता क्या वो किचन के दिखा रही है या किसने क्या किया, इनके अलावा कुछ नहीं करे। अभिभावकों का दर्द है, मिडिल क्लास अभिभावक की तो ये स्थिति होगी कि ना किसी से मांग सकता ना किसी को दे सकता, वो अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकता, जबकि स्कूल वाले लगातार ऑनलाइन उनसे पेमेंट मांग रहे हैं, ऑनलाइन डिमांड कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने छदम रूप से ऑनलाइन क्लासे चालू की है। ऑनलाइन क्लास चालू करने का मतलब सीधा सा है कि हम आपसे पेमेंट वसूलेंगे उनके बहाने, आपको कन्वेंस का चार्ज देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑनलाइन कैसे खेलेंगे भाई, ये कौन सा तरीका है? कुल मिला के ये जो शिक्षा के मंदिर है ये पैसा कमाने का एक माध्यम है, ये औद्योगिक घराने इसमें शामिल हो गए, ये फैक्ट्रियां है, यह शिक्षा के मंदिर नहीं बचे। ये पहले जब होता था ना संस्कार और शिक्षा दी जाती थी जी। जब अपन गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे वो एक संस्कार थे, अब आजकल ये फैक्ट्रियां, इन फैक्ट्रियों में अपन जाते हैं, वहां पर अपन शिक्षा नहीं अपना स्टेटस लेने के लिए जा रहे हैं, वहां पर स्टेटस देने का पेमेंट मांग रहे हैं, सीधा सा उनके मन में कोई दया नहीं कोई भावना नहीं, निर्लज होकर अखबारों में बयान दे रहे कि हम फीस नहीं छोड़ेंगे। अरे तुमने कर क्या दिया इस महामारी में, जहाँ एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को भोजन के लिए खोज रहा है, उसके घर जाकर भोजन खिला रहा है, मानवता तो यहाँ जिंदा है भारत में, ये माँ भारती की गोद में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए ऐसा प्रण करके हर आदमी मदद कर रहा है, लेकिन ये जो राक्षस है कसाई है स्कूल वाले अभी भी चाहते कि अभिभावकों की गर्दन पर अपनी तलवार चलाते रहे और धीरे धीरे उनका खून निकालते रहे। सरकार को सोचना चाहिए, नहीं विस्फोट होगा। बिल्कुल बिल्कुल माफ करनी चाहिए। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा गोस्वामी जी कि एक छोटी सी बात है, आपने जो ये अभियान उठाया है आप अकेले लगे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ अंधकार से लड़ने का, जब संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है। आपकी मुहिम हम लोगों का हौसला तो देगी, निश्चित रूप से निजी स्कूलों वालों को झुकाएंगे इसमें, सरकार साथ दे नहीं दे, कोरोना कितने दिन तक हमको घरों में बैठाएगा,
हम सड़कों पर लड़ेंगे इसके लिए आगे 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 लड़ते आए, पहले स्कूलों को झुकाया और आप फिर झुकाएंगे इनको। आप जैसे पत्रकार बंधु जो इस अभियान की अलग जगह कर खड़े हो गए, तो निश्चित रूप से मैं तो कहना चाहूंगा कि हमने चिराग रोशन कर तो दिए, ए हवाओं अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये जो आपने चिराग रोशन किया इसको आगे लेके जाएंगे और इनको झुकाएंगे स्कूल वालों। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल मोहन जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि लगातार किसी भी मुहिम के पीछे हम लोग सड़कों पर उतरते हैं, हम लोग किसी और माध्यम से सरकार की आंखें खोलने की कोशिश करते हैं। मैंने राजस्थान में सर्वाधिक ये चीज देखी है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, यहाँ पर आपको अपने अधिकारों के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। हमारे एक साथी और हैं जो न्यायालय में भी गए हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो आखिर सरकार की आंखें क्यों नहीं खुलती, हमको क्यों न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है मोहन जी? पॉलिटिकल विल नहीं है, करना नहीं चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यह। देखिए इसको मैं यहां इससे एक कदम और पीछे ले जाना चाहता हूं आपके इस डिस्कशन को। आज हमें हर चीज के लिए सरकार से लड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? आज यही हम मेरा सवाल है। टैक्स पेयर्स के पैसे से सारे काम होते हैं, बच्चे फीस देते हैं, आज अनुदान सरकार देती है स्कूलों को, सब्सिडाइज रेट पे जमीनें देती है, फिर भी आज सड़क के ऊपर जाके आंदोलन करना पड़ता है। व्हाई? इसको आप एक चीज सोचिए कि मतलब आज स्कूलों का स्तर इतना, ये सरकारी स्कूलों का गंदा करके रखे हैं इतने हजारों करोड़ों के फंड के साथ भी, कि मजबूर होके एक पेरेंट को प्राइवेट स्कूल में बच्चे को डालना पड़ता है। और वो वहां जब डालते हैं तो एक वो पेरेंट मजबूर हो जाता है, दादागिरी उसके साथ होती है, सरकारों की दादागिरी है, मिली भगत है ये कॉरपोरेट्स की और इनकी, कि इस तरीके से ये अपने स्कूलों में जो अपना जो प्राइवेट स्कूल है ये दादागिरी करते हैं। आप एक चीज सोचिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं एक दिल्ली का, 97.4% मार्क्स बोर्ड के गए हैं अभी सरकारी स्कूलों के, 50% दादागिरी सरकारी स्कूलों इसकी जो है प्राइवेट स्कूल की खत्म हो गई है दिल्ली। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दिया कि लोगों को आज शर्म नहीं आती है अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे भी सरकार से हमारी ये मांग है, मैं पुरजोर मांग कर लेकिन लेकिन क्यों नहीं जो है सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं कि ये निजी स्कूलों की दादागिरी वैसे ही खत्म हो जाए। आज आपको और मेरे को दीपक जी अगर ऐसा महसूस होगा कि मेरा बच्चा एक सरकारी स्कूल में जाके आईएएस अफसर बन सकता है, मैं क्यों वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है वो उसमें सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए एक लंबा समय लगेगा, उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वो बहुत बड़ी बात है। पॉलिटिकल वर्तमान की जो लड़ाई है ना, जो वर्तमान की लड़ाई है वो ऐसे है कि अपन कैसे इनको जो 3 महीने की फीस वो माफ होनी चाहिए, अपन इस पर फोकस करेंगे, अपना ध्यान अगर इधर डाइवर्ट करेंगे हमारी मुहिम कमजोर पड़ेगी। हमारा मेरा सवाल यहाँ पर कि आप बिल्कुल दिनेश जी, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर ये भी है क्योंकि आप पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, हमने कई पेरेंट्स से बात भी की थी, लेकिन बहुत से पेरेंट ऐसे हैं जो स्कूल के खिलाफ सामने नहीं आना चाहते। वो फीस तो माफ करवाना चाहते हैं लेकिन उनके ऊपर पता नहीं कौन सा स्कूल का दबाव है कि बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर हो जाएगा, तो आखिर वो भी आगे आना नहीं चाहते निकालते हैं स्कूलों में। सर ये उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर जुनून से एक शाहरुख खान की पिक्चर का डायलॉग था, शिद्दत से किसी चीज को मांगो तो सारी कायनात आपको मिलाने के लिए तत्पर हो जाती है, तो अगर जुनून से स्कूल के सामने आप खड़े हो जाओगे तो एक पेरेंट्स को झुका नहीं सकता स्कूल। लेकिन पेरेंट्स के अंदर जो एक कमजोरी है अपने अभिभावक की और बच्चे का जो संबंध होता है, वो कमजोरी अपने बच्चे का अहित नहीं हो, उस कमजोरी का फायदा विद्यालय उठाते हैं। वरना हर बात का कानून बना हुआ है, जरा सा थ्रेट करने पर, हरेस करने पर सरकार ने धाराएं, कानून में बाकायदा धाराएं बनी, उन पर सजा होती है और हमने सजा करवाई भी है। लेकिन क्यों कि पेरेंट्स भी लापरवाह है, पेरेंट्स भी टाइम नहीं देना चाहता। मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में कि पेरेंट्स समय नहीं देना चाहता, उसको आंदोलन वगैरह तब सूझते जब उसके बच्चे पर कोई आ चाहती है, जब दूसरे पे होती है तब तक उसको कोई इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। और जब तक एकता नहीं होगी, मानसिकता में आपको बताऊं क्या हो गई है, जब तक एकता नहीं होगी इन पेरेंट्स में, जब तक स्कूल दादागिरी करेंगे। क्यों कि अभी मेरे जो सहयोगी है उन्होंने बताया कि ज्यादातर विद्यालय नेताओं के एडमिनिस्ट्रेटर के,
तो वो कहां से फीस, आप सीकर जिला है, वो एजुकेशन का हब बना हुआ है और शिक्षा मंत्री वहीं से चुनकर आ रहे हैं, तो मुझे मालूम है उनकी स्थिति क्या है, वो किस लिए ये बयान दे रहे हैं। सारे शिक्षा के जो विद्या मंदिर चलाने वाले जो माफिया है वो चले गए होंगे वहां पर, उन पर दबाव बनाया हुआ कि आप स्टेटमेंट दो। निर्लज होकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पूरी जनता, पूरे राजस्थान के वो मंत्री हैं, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसा स्टेटमेंट देने में कि कहां उनसे जनता उम्मीद कर रही है, अभिभावक उम्मीद कर रहे हैं कि वो फीस माफ कराएंगे। बल्कि उन्होंने जो राहत दी उसमें ही गली निकाल दी, जैसे लोग कर्फ्यू के अंदर पास जारी करते हैं, उन्होंने पास जारी कर दिया विद्यालयों को फीस लेने का कि इस तरह आप ले सकते हो। ये पास जारी किया शिक्षा मंत्री महोदय ने, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस जनता ने जिसके लिए उनको चुना है उसके विमुख जाकर उन्होंने ये बात कही है, शर्म की बात है। उनको शिक्षा मंत्री जैसे ओहदे पर रहकर जो संस्कार देने का जो ओहदा है उनको मिला है, उसमें उन्होंने व्यापारियों के साथ जाकर खड़े हो गए, वो क्या राहत देंगे वो सरकार के लिए, कुछ नहीं देंगे। बिल्कुल आंदोलन करना पड़ेगा सर। जी जी मोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि आखिर इस तरह का प्रेशर नेताओं के ऊपर क्यों आता है, क्या कारण थी? अजी सीधी सी बात है, एक बहुत आज चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो जी, दोनों पार्टियों के नेताओं के ये स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जिनमें इनका डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है और दोनों पार्टी के नेताओं ने जो है फायदा उठाया है। आप एक चीज बताइए, सत्ता कांग्रेस के पास हो के बीजेपी के पास हो, कांग्रेस के पास सत्ता होगी बीजेपी वाले कहेंगे कि साहब ये इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। जी अभी अभी जो हमारा उद्देश्य है, सर मोहन जी, अभी जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि वर्तमान में जो इतनी बड़ी महामारी है इसको लेकर अभी वर्तमान की सरकार क्या काम कर रही है, मेन मुद्दा हमारा वो है। वर्तमान के वर्तमान में सरकार को तुरंत प्रभाव से इस जो इनका जो वक्तव्य आया था कि इसको 3 महीने के बाद में फीस को लिया जाए या ऐसा, उसे तुरंत वापस लेना चाहिए, बड़ी शर्म की बात है ये। और सरकार को 3 महीने का तो बैरियर था जो था उसमें भी गली निकाल दी कि इन 3 महीने की सरकार, ये जो 3 महीने की फीस है इसको तुरंत प्रभाव से माफ कर देना चाहिए। 3 महीने के अंदर भी गली निकाल दी उन्होंने कि जो सक्षम है उनसे ले लो, मंत्री जी ने वक्तव्य नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिनेश जी, मेरा एक सवाल भी अक्षम हो जाएगा जो दिनेश जी मेरा है, उसको भी पगार नहीं मिली 3 महीने तक, तो वो भी अक्षम हो जाएगा। दिनेश जी मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये भी है कि जब जो पेरेंट्स हैं उनको ये कहा गया है सरकार के द्वारा भी कि 3 महीने के बाद आप पिछली जो फीस है वो डिपॉजिट करवा दीजिए, तो उस समय उनके ऊपर मुझे लगता है कि डबल भार आएगा क्योंकि निश्चित रूप से आएगा, 3 महीने की भी फीस देनी पड़ेगी और पिछले 3 महीने की भी देनी पड़ेगी, लेकिन सरकार का कोई स्रोत है नहीं। दीपक जी आप, सरकार एक तरफ कह रही है मकान मालिक से कि आप किराएदार का किराया माफ कर दो, उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो ये अभिभावक कहां से लाएंगे, अभी तो किराएदार ही है और क्या, आपको जब उनके पास इनकम सोर्स नहीं है तो चुकाएंगे कहां से, किस तरह चुकाएंगे आप बताए। इनकम सोर्स लोगों के पास रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं, हाँ ये कोई नो लॉस नो प्रॉफिट में तो नहीं चलते, अंधी कमाई है, अंधी कमाई क्या हो गया 3 महीने की फीस अगर छोड़ भी देते हैं तो, अंधी कमाई है। ऐसा तो है नहीं कि 2 रुपए 2 रुपए खर्च हो गए, इनके तो 2 रुपए खर्च होते हैं और 200 रुपए आता है, इतना बड़ा मार्जिन है इनके पास। लेकिन दिनेश जी हमारी कुछ आप उस अभिभावक की पीड़ा समझने की कोशिश कीजिए, वो अपने बच्चे के लिए पहले रोटी का जुगाड़ करेगा कि पहले उसकी फीस का जुगाड़ करेगा, बच्चे के पेट में रोटी नहीं डाल पाएगा। आज वो अभिभावक खुद इनसिक्योर्ड है इतना कि मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, मेरे व्यापार का क्या हाल होगा, इकोनॉमी का सत्यानाश हो चुका है, बुरी तरीके से जीडीपी 0 पहुंचने वाली है। आज हमारी, कोई व्यापारी चाहे दुकानदार है चाहे नौकरी करने वाला है उसको उसके रोजगार का ठिकाना नहीं है, तो रोटी का जुगाड़ पहले करेगा या फीस का जुगाड़ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सरकार को तुरंत प्रभाव से आदेश वापस लेना चाहिए। हमने कुछ स्कूल के जो संचालक हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर हम फीस माफ कर देंगे तो हमारा जो बैक ऑफिस के लोग हैं, जो हमारी सिक्योरिटी के लोग हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनको हम सैलरी कहाँ से देंगे, उनका एक सवाल था। अजय सालों बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये करोड़ों एक-एक करके एक पहले सालों से जो विद्यालय सर मैं कह रहा हूं क्या होगा, जो विद्यालय ऐसा करना चाहता है वो हमारे पास आए, उन 9 महीने की जो फीस ले उनमें उनकी सैलरी भी निकाल के दे देंगे और प्रॉफिट भी दे देंगे। उनको कितना प्रॉफिट होता है हम जानते हैं, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा देखा हुआ है। मैंने कहा ना कि नो प्रॉफिट में नहीं चलती ये संस्थाएं, ये ट्रस्ट नहीं है, ये माफिया है, ये औद्योगिक क्षेत्र बन चुके, ये संस्कार देने की ये मतलब गुरुकुल नहीं बचे अभी, ये तो फैक्ट्रियां है, प्रोडक्शन है, ये तो एक खुलती है दूसरी खुलती है। आप देखिए मात्र एजुकेशन एक ऐसा बिजनेस बचा है, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ बिजनेस बचा है कि जो
एक बिल्डिंग खड़ी होती है अगले डबल फिर तिबल मंजिल, थोड़े दिनों बाद उसकी दूसरी ब्रांच, फिर तीसरी ब्रांच, 10 साल में 10 ब्रांच खुलती है, इतना बड़ा मुनाफा और कहीं नहीं। तो इतना बड़ा मुनाफा जो आप कमा रहे हो, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो कंस्ट्रक्शन होता है ये डेवलपमेंट चार्ज के नाम से स्टूडेंटों से वसूला जाता है, आपको पता हो तो, और लगता है मोहन जी का कनेक्शन हमसे नहीं हो पा रहा है, कनेक्टिविटी में कुछ परेशानी हो रही है। दिनेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बारे में? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को जनता के साथ खड़ा होने का और जनता की सरकार बनने का, कि हम जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और जनता के हितों के लिए लड़ते हैं, इससे बड़ा मौका नहीं दोबारा मिलेगा। चाहे वैश्विक महामारी के कारण उनको अपने आप को सत्यापित करने का ये मौका है कि ये जनता की सरकार है, उनको आगे आना चाहिए और कम से कम 3 महीने की फीस माफ करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि घरों में बैठे जो लोग हैं वो अभी भी आने वाले 3 महीने की चिंताओं से सारावार है। आज उनको बच्चे का जब चेहरा देखते हैं, उनको मालूम है 3 महीने बाद मुझे इसकी फीस भरनी है, घर के खर्चे सीमित हो गए, सबको मालूम है आय तो बची नहीं है, तो कहां से देंगे? सरकार को इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना से तो बच जाएंगे कैसे न कैसे करके लड़ाई करके, लेकिन ये निजी स्कूल कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है, ये बाद में उनको बीमार रखेंगे, कितने पेरेंट्स आत्महत्या करेंगे, कितने बेरोजगार के इस युग में जब ये स्थिति जब संभलेगी, कितने पेरेंट्स अपनी शर्म और लज्जा के कारण दम तोड़ेंगे, ये आंकड़ा कहीं कोरोना से ज्यादा निकलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल, तो जी, हमारे पास कुछ जो अभिभावक है उनके भी व्हाट्सएप मैसेज आए हुए हैं, कईयों की सलाह भी हमारे पास आई थी कि उनकी अभी पिछले 1 महीने से सैलरी भी जो है कम कर दी गई है, यानी कि इस महीने की जो सैलरी है वो कम आई है, तो आने वाले दिनों में भी उनकी जो सैलरी है वो कम आएगी, तो बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे, वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। अगर इस तरह की परेशानी हो गई तो हमारा देश का जो भविष्य है वो कैसे तैयार होगा? मैं यही कह रहा हूँ ना, वसुदेव कुटुंबकम भारत की प्रथा है कि मैं भी खाऊं और दूसरे के खाने की चिंता करूं। जी हम इस परंपरा के लोग हैं, खाली ये परंपरा थोड़ी मैं कि मैं ही खाऊं और सिर्फ मैं ही खाऊं, ये हमारी परंपरा नहीं है, मैं खाऊं और दूसरे के खाने की चिंता करूं। निजी विद्यालय वालों को भी सोचना चाहिए, हम भी रहे और वो पेरेंट्स भी रहे, उनसे हम किस बात का पैसा वसूल रहे? जब मैंने कोई लेबर ने मेरे घर पे काम नहीं किया तो किस बात की मजदूरी दे रहा हूँ मैं उसको? कुछ नहीं दे रहा ना, मेरा अधिकार नहीं बनता? जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, किस बात का अधिकार है उनके पास पैसा लेने का? ये ऑनलाइन का जो फंडा है ये मात्र पैसा वसूल करने का ही सिस्टम लेके आए मिलके। अगर अब विभाग लैपटॉप खरीदो, दुकानें बंद है, खरीद नहीं पा रहे, घर में 3 बच्चा 3 लैपटॉप खरीदो, आप कहां से करेंगे? सब तरीका निकाल रहे हैं। सरकार को एक निर्णय करना है कि कोई फीस नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद हो जाएगी और सारे इनके जो प्रोपेगेंडा तुरंत बंद करेंगे जब आप आदेश कर दोगे, उसके अगले दिन से बंद हो जाएंगे निश्चित तौर पर। दिनेश जी आप क्योंकि पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो आप उन अभिभावकों को, उन स्कूल संचालकों को और हमारी सरकार को हमारे सिटी लाइव के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभिभावकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भिखारी नहीं है, आपका अधिकार है 3 महीने की फीस नहीं देने का, क्योंकि आपने विद्यालय का उपयोग नहीं किया, जिस संस्था का, जिस साधन का हमने उपयोग नहीं किया उसका हम किस बात का पैसा दें? और सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि ये मौका है सरकार को साबित करने का कि वो जनता द्वारा चुनी सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के हित की सरकार है, उसको जनता के हित में निर्णय लेना चाहिए और 3 महीने की फीस माफ करनी चाहिए। और निजी विद्यालयों को कहना चाह रहा हूँ कि वो 11 लाख 10 लाख का जो चंदे की रसीद PM CM फंड में देकर अपना नाम कमाना चाह रहे, लाखों अभिभावकों की दुआएं मिलेगी अगर वो ये फीस खुद आगे आके माफ करेंगे ना, उनका बड़प्पन भी होगा और अभिभावकों की दुआएं भी मिलेगी, उनका संस्थान और भी ज्यादा डेवलप होगा। निश्चित तौर पर हमारी भी, हमारे इस चैनल के माध्यम से सरकार से और स्कूल संचालकों से निवेदन है कि वो जागे, समाज हित में आगे आए, देश हित में आगे आए और जो बच्चों की जो फीस है 3 महीने की, जो ट्रांसपोर्ट की फीस है वो माफ करें और भविष्य में एक नए समाज का निर्माण करें। दिनेश जी आपका, मोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सिटी लाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।